बहुत इच्छा होती है कि जो साधक निखिल चेतना केंद्र आए वो अपनी इच्छा पूरे कर लेकर ही यहां से जाए और वो केवल साधना के मार्ग से, साधना मार्ग से वे आगे बढ़े। सभी की दिक्कतें समझता हूं, आप बहुत बिजी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है और अपने अपनी काम में व्यस्तता है, इस सबसे बढ़कर भी फोन है आपके साथ मोबाइल, वो कोई साधना करने नहीं देता कभी। तो इन सभी को छूटकर मैं आपको अगर कुछ समय साधना के लिए दे सके तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसी साधना करें, यहां मेरे सामने ही बैठकर एक घंटे की साधना करें और कोई ऐसी वस्तु निखिल चेतना केंद्र से ले जाएं जो आपको आपकी मनोकामना वर्ष भर में पूर्ण करें। मैंने ऐसे ही जो ये बोर्ड रखा हुआ है, आप चार बोर्ड चार तरफ रखे हैं, मैं लघु साधनाएं आपको दिया हूं। एक मनोकामना साधना है, एक धनवृद्धि साधना है व्यापार में या आजकल ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें फायदा होने के लिए। तीसरी साधना है जो बच्चे अल्लड़ है, पढ़ते नहीं, जिन घर में जिनकी बच्चियों की शादियां होती नहीं, कितना भी करने पर कुछ ना कुछ उनको परेशानी होती रहती ही रहती है ऐसी, और इसके साथ वाद विवाद और कोर्ट में केसेस है, शत्रु ज़्यादा सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए छोटी एक दिन, इन तीन दिन में आप एक साधना, चार घंटे में चार साधनाएं कर देंगे एक ही दिन में। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज कुछ लेकर जाएं कि आप साल भर में कहें कि गुरु जी हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, मैं तब कहूंगा कि मैंने साधना के मार्ग में आपको सही मार्ग पर मैं आपको ले जा रहा हूं। इसी के लिए मैंने इन साधनाओं को आपके सामने रखा। वैसे मैंने प्रातः सुबह साधकों को बताया था कि किस प्रकार धन की कमी दरिद्र सुदामा जी को थी। सुदामा जी और कृष्ण एक ही गुरु के पास पढ़े, लेकिन सभी को पता है सुदामा बीच में ही गुरु को छोड़कर चले गए, बाद में उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनके माँ बाप नहीं रहे, बहुत दरिद्रता अनुभव की उन्होंने, इतनी दरिद्रता कि उनको खाने को भी नहीं था, ये बात मैंने सुबह बताई। और जब बार बार कृष्ण कृष्ण कहते थे, लेकिन उनके गाँव में वहाँ पौंड कृष्ण नाम का भी एक व्यक्ति था, उस पौंड कृष्ण ने कृष्ण को सुदामा जी को कहा कि तू कृष्ण करना छोड़ दे, मेरा नाम पौंड कृष्ण ले ले, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा। लेकिन सुदामा जी ने कहा कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, कृष्ण से मैं प्रेम करता हूँ और मैं उस कृष्ण से ही प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो मैं उन्हीं से प्रेम करूंगा। बहुत दिन हो गए, जब खाने दाने दाने को तरसने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारा सखा है, कृष्ण तुम्हारा इतना सब कुछ है, तो उस कृष्ण महाराजा के पास जाके कुछ मांग क्यों नहीं लेते। तो सुदामा ने कहा कि वो सखा है, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मित्र उसे कहते हैं जो आपके कष्टों में सहायता करे, आपके दुख दर्द में सहायता करे। अच्छा मित्र की पहचान तभी होती है जब आप दुख में हो, दुखी हो। बहुत पत्नी के कहने के बाद सुदामा गए, सभी को मालूम है, वो उनके द्वार पर गए और कहा कि मैं जाता हूँ। उनके फटे पुराने कपड़े थे, छोटी थी, लंगड़ते हुए गए धीमा धीमा, और उन्होंने जब जाकर उनके उस द्वार पर खड़े हो गए और कहा कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपालकों ने कहा क्या सर फिरा हुआ है क्या, कृष्ण महाराज है और तू क्या दरिद्र फटा हुआ गरीब, तेरे को कौन अंदर भेजता है। बहुत अनुनय विनय की उसने कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। बोले तू है कौन, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उसने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, बाल्य मित्र हूँ। ओ जोर से ठहा के मार के हंसा द्वारपाल, बोला अक्कल होनी चाहिए कुछ तो, कृष्ण के सखा और इतने दरिद्र होते हैं क्या, कोई कैसी बात करता है, चल चल निकल जाओ। उसको ढकेल दिया गया। बाद में द्वारपाल कृष्ण के जी के सामने गया, प्रभु आज एक आश्चर्यचकित घटना हुई। बोले कृष्ण क्या हुई। बोले एक दरिद्र ब्राह्मण फटे धोती वाला चोटी वाला लंगड़ता हुआ आया और आपसे मिलना चाहता, मैंने तो इसको धकेल दिया। कृष्ण का कौन क्या था, उसका नाम क्यों धकेल दिया, उसने क्या कहा। तो कृष्ण को उस द्वारपाल ने कहा कोई सुदामा आपका बाल्य मित्र है कह रहा था, मैंने उसे धकेल दिया। कृष्ण नंगे पांव वही सिंहासन से भागते हुए गए और कहा कि सुदामा चिल्लाते हुए गलियों में गए कि सुदामा तू कहाँ है। सुदामा लंगड़ा था इसलिए धीमे धीमे चलते जा रहा था। तो उसने जब कृष्ण को भागते हुए आते देखा नंगे पांव और सुदामा ने गले लगाया, तो सुदामा को गले लगाने के बाद कृष्ण ने कहा कि तू इतना बड़ा सखा ऐसा कैसे हो गया तू। बोले कुछ नहीं, तू चल
तू चल तुझे ले जाता हूं। जब कृष्ण सुदामा को रथ पर बिठाकर अंदर ले जा रहे थे, राज सिंहासन तक ले जा रहे थे, द्वारपाल के तो पसीने छूट गए, बोले मैं इतनी गलती कर गया कि उनके दोस्त को नहीं निकल बोल नहीं सका। वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद कृष्ण ने उनको बिठाया और कृष्ण ने उनके पांव धोए, पांव धोकर कहा, सकुशल पूछा कि तुम कुशल हो, अच्छे हो, कैसे हो। सुदामा कुछ नहीं कह रहा था तो कृष्ण ने कहा, बताना क्या बात है, इतनी क्यों दरिद्रता है तेरे पास। फिर भी सुदामा चुप थे। सुदामा ने ज्ञान नेत्र से देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि दानी की तरस रहे हैं, इसके 8 बच्चे हैं, पत्नी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दरिद्र होकर जी रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे लिए क्या लाया। सुदामा के तो आंखों में आंसू आ गए, तू महाराज और मैं तेरे लिए लाने के लिए मेरे पास क्या है, बोल। नहीं बोल, तू मेरे लिए क्या लाया, तू कभी मेरे पास बाल्य मित्र था, तब मेरे पास आता था तो कुछ ना कुछ मेरे को खाने के लिए लाता था, आज क्या लाया। सुदामा के आंखों में आंसू आए, वो कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, उसके धोती में थोड़ा पोहा बंधा था, वो छुपा रहा था कि इतने राज्य में अगर मैं ये पोहा बता दूं तो मेरे को हंस देंगे सब लोग, उनकी 8 पत्नियां बैठी हुई है, द्वारपाल बैठे हुए हैं, ये सब लोग हंस देंगे मुझे देखकर। कृष्ण ने कहा, तू बिना मेरे को कुछ लिए मेरे पास नहीं आता, बोल क्या लाया। और जब छुपा रहा था तो कृष्ण ने उसका वो धोती की गांठ खोली तो उसमें पोहा था। पोहा उसने खाया, पहला पोहा खाया, उनका झोपड़ी का घर महल बन गया और माँ उनके पत्नी के शरीर पर सोना लदके हो गया। दूसरा पोहा, दूसरा ग्लास जैसा ही कहा, धनधान्य से बढ़ गए, आगे हुए बहुत, वो धनधान्य से श्रेष्ठ हो गए। तीसरा खा रहे थे, सत्यभामा और अष्ट भार्याओं ने कहा कि और कितना दोगे उसे, तीसरा दे देंगे, तो क्या तुम दरिद्र होना चाहते हो। तो कृष्ण को उन्होंने रोक दिया। सुदामा को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, यहाँ तो उनके पांव धोए, उनको अलंकार किया, उनके कपड़े दिए, सब कुछ दिया, उनको धनवान, उनको बहुत उनका सत्कार किया। सुदामा देख रहा था लेकिन उसने अपने पत्नी बच्चों को याद आ रही थी, मैं तो कृष्ण के सामने इतना सत्कार पा रहा हूँ, मैंने कृष्ण को मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं अब घर को जाकर फिर वो पूछेगी तो क्या, मैंने कृष्ण को पूछा ही नहीं, कृष्ण सब जानते थे। लेकिन सुदामा और कृष्ण बैठ गए, सब पत्नियों ने कहा कि अब तुम्हें खाना खाना है, तो सभी लोग अपने अपनी जगह चले गए, कृष्ण और सुदामा दोनों ही बैठे थे। कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, मैं तुझे रहस्य की बात बतलाता हूँ। बोले क्या, कि तेरे को ये दरिद्रता क्यों आई कि तूने गुरु जी को, गुरु आश्रम को बीच में ही छोड़ दिया एक, और गुरु के पास से गुरुजी ने कहा उसके बारे में नहीं देखा। सुदामा ने, तू अब रुक जा, मैं आगे की कहानी मैं बोलता हूँ, सुदामा कहने लगा। सुदामा ने कहा कि तू गुरु का प्रीति पात्र हुआ, तू गुरु से प्रेम किया, तूने गुरु को अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, गुरु को अपना सब कुछ दे दिया और मैं वो नहीं दे सका। तूने बिना गुरु दक्षिणा दिए तू वहां से हिला नहीं, गुरु को गुरु दक्षिणा दी तभी कहा कि मैं तुम्हारी विद्या लेता हूँ, तुम्हारे पास से कुछ लेता हूँ। गुरु ने गुरु दक्षिणा दी तभी उनको कुछ प्राप्त हुआ और मैं बिना गुरु दक्षिणा गुरु को दिए, गुरु की एक भी बात मैंने नहीं मानी और मैं कभी भी कृष्ण कृष्ण करता रहा, और इस गुरु को नहीं मानने के कारण, गुरु को दक्षिणा नहीं देने के कारण, गुरु को प्रसन्नता नहीं देने के कारण मुझे दरिद्रता भोगनी पड़ी। आज तूने जो कुछ भी दिया है कृष्ण, मैं तेरी तुझे प्रार्थना करने से तेरे से प्राप्त किया हूँ लेकिन गुरु से प्राप्त नहीं किया, लेकिन तूने गुरु से प्राप्त किया है और गुरु माता ने कहा है कि तू हम जब तक सूर्य चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा कृष्ण, तूने ऐसा ऐसी गुरु दक्षिणा दी है, तूने मरे हुए मेरे बालक को फिर ला के दिया, हे कृष्ण ऐसी दक्षिणा संसार में किसी ने नहीं दी, इसलिए संसार में तू योग्य गुरु कहलाएगा, कृष्ण वंदे जगत गुरु और योगेश्वर कहलाएगा। तो मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि कृष्ण भी सुदामा से उतने गरीब में भी बिना उसके पास से कुछ लिए उनको कुछ नहीं दिया, कम से कम पोहा तो लिए ही लिए और उसके बाद ही उनको वो सब दिया। ये गुरु दक्षिणा की एक छोटी सी कहानी है और धनवान बनने की क्रिया है। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसी ही कहानी के इस तल में सुदामा घर से निकले थे तो दरिद्रता के कारण अपने गुरु आश्रम से ही चल रहे थे, तो गुरु आश्रम से एक बच्चा सामने आया और कहा कि सुदामा तुम कहाँ जा रहे हो। उसके आंखों में आंसू थे, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या कहूँ, मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, क्यों इतनी दरिद्रता तेरे पास ऐसी है। तो उस मित्र ने कहा कि कृष्ण की तरह तूने गुरु दक्षिणा या गुरु का वचन पालन नहीं किया, इसलिए तुझे दरिद्रता है।
मैं तुझे छोटी सी एक घंटे की साधना बता देता हूँ, क्योंकि तू मेरा भी मेरे गुरु का शिष्य गुरु भाई है। और उसने कहा मैं इस यहाँ एक छोटा सा वृक्ष है जिसे सेवल का वृक्ष कहा जाता है, उसकी 100 लकड़ियां देता हूँ, उस लकड़ियों पर 100 बार एक मंत्र बोल दे और उसकी आहुति दे दे और तू आगे जा।